प्रियंका चोपड़ा की कहानी। प्रियंका चोपड़ा बटा प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को बिहार राज्य के जमशेदपुर में हुआ। उनके पिता का नाम अशोक और माता का नाम मधु चोपड़ा है। उनके माता पिता दोनों ही भारतीय आर्मी में सेवारत थे। उनके पिता पंजाबी है जबकि उनकी माता झारखंड से है। उनके एक भाई सिद्धार्थ भी है जो उनसे 6 साल छोटा है। परिणीति चोपड़ा, मीरा चोपड़ा और मन्नार उनकी बहनें हैं। अपने पिता की नौकरी के कारण उनके परिवार को अलग अलग जगहों पर रहना पड़ा था, जिनमें दिल्ली, चंडीगढ़, अम्बाला, लद्दाख, लखनऊ, बरेली और पुणे भी शामिल है। प्रियंका के माता पिता के आर्मी में जॉब की वजह से उन्हें कई अलग अलग स्कूल से पढ़ाई करनी पड़ी थी, लेकिन प्रियंका ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के गर्ल्स स्कूल से और बरेली के सेंट मारिया कॉलेज से ग्रहण की थी। प्रियंका चोपड़ा 13 साल की उम्र में अमेरिका चली गई थी और वहां उन्होंने अपने रिश्तेदार के घर रहकर करीब 3 साल तक पढ़ाई की थी। उन्होंने वहां जॉन ऑफ कैनेडी हाई स्कूल सीडर रैपिड्स लोवा में एडमिशन लिया था। इसके बाद वे भारत वापस आ गई और फिर बरेली के आर्मी स्कूल से अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद प्रियंका ने जय हिंद कॉलेज एवं मुंबई के बसंत सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एडमिशन लिया। हालांकि मॉडलिंग की वजह से प्रियंका को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकी सिंगर एक्टर निक जोनस से 1 दिसंबर 2018 में शादी कर ली थी। प्रियंका ने जोधपुर के उमैद भवन पैलेस में हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रीति रिवाजों से शादी की थी। उनकी शादी भारत की सबसे महंगी और शाही शादी मानी जाती है। आपको बता दें कि प्रियंका ने 10 साल छोटे निक जोनस को अपना दिल दे बैठी थी और कुछ दिनों तक डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। बॉलीवुड के बाद हॉलीवुड में राज कर रही प्रियंका चोपड़ा ने साल 2000 में फेमिना मिस इंडिया कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया था, जिसमें यह दूसरे नंबर पर रही थी। इसके बाद प्रियंका ने मिस वर्ल्ड पिंजेट में हिस्सा लिया और इस खिताब को अपने नाम किया था। वे इस खिताब को हासिल करने वाली भारत की 5वीं महिला है। प्रियंका ने न सिर्फ मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया बल्कि वे मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया और ओशिनिया का खिताब भी अपने नाम कर चुकी है। मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर चुकी प्रियंका ने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म थमिजान 2002 से की थी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई से अपनी डेब्यू किया था। इसके बाद प्रियंका ने फिल्म अंदाज और सलमान खान एंड अक्षय कुमार के साथ मुझसे शादी करोगी में शानदार एक्टिंग की। साल 2004 में ऐतबार फिल्म में उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया जिसकी काफी प्रशंसा हुई। 2006 से ही प्रियंका ने खुद को बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री साबित किया क्योंकि 2006 में आई उनकी दो फिल्में क्रिश और डॉन आर्थिक रूप से उस समय की सबसे सफल फिल्म रही। बाद में 2008 में आई उनकी फिल्म फैशन ने उनके करियर को ही बदल दिया। उस फिल्म के लिए तो उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्हें अपनी इस फिल्म के लिए कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तभी से प्रियंका ने अलग अलग कैरेक्टर वाली फिल्मों को करना शुरू किया और वही भूमिका करने लगी जो लोगों को प्रभावित कर सके। उन्होंने फैशन के बाद कमीने 2009 व्हाट्स योर राशि, 2009 सात खून माफ, 2011 बर्फी, 2012 मैरी कॉम, 2014 दिल धड़कने दो, 2015 और बाजीराव मस्तानी 2015 जैसी फिल्मों कर अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिल में अपने लिए एक अलग जगह बनाई। प्रियंका चोपड़ा की प्रसिद्ध फिल्में अंदाज 2003, मुझसे शादी करोगी 2004, एतराज 2004, सहकलाकार अक्षय कुमार, अमरीश पुरी और करीना कपूर,
डॉन 2006, सहकलाकार शाहरुख खान। क्रिश 2006, फैशन 2008, दोस्ताना 2008, कमीने 2009, व्हाट्स योर राशि 2009, सात खून माफ 2011, डॉन 2 2011, अग्निपथ 2012, ऋतिक रोशन के साथ, बर्फी 2012, मेरी कॉम 2014, दिल धड़कने 2 2015, बाजीराव मस्तानी 2015, सहकलाकार दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। साल 2015 में प्रियंका ने अमेरिकी टीवी सीरीज क्वांटिको से हॉलीवुड में कदम रखा और वे अमेरिकन नेटवर्क सीरीज को हेडलाइन करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी। एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ ही प्रियंका बहुत से स्टेज शो भी करती है। इसके अलावा न्यूज़पेपर के लिए कॉलम भी लिखती है और कई प्रोडक्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर भी है। उनकी पहली एकल फिल्म 2012 में इन माय सिटी आई थी। उनकी दूसरी एकल 2013 में एक्सोटिक आई थी। इस फिल्म को यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में भी दिखाया गया था। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा न सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस है बल्कि वे एक प्रसिद्ध सिंगर भी है। उनका गाना एक्जोटिक काफी फेमस है। यह साल 2013 में आया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म मैरीकॉम में भी एक छोटी जी लोरी भी गाई थी। प्रियंका मनावसेवी काम करने के लिए जानी जाती है। इसी के चलते वह 2010 में यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर बनी। प्रियंका सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहती है और प्रकृति, स्वास्थ्य और पढ़ाई, महिला शिक्षा और महिला अधिकार और महिला सुरक्षा, समलैंगिकता का प्रचार प्रसार भी करती है। इनकी प्रियंका चोपड़ा फाउंडेशन फॉर हेल्थ और एजुकेशन नाम की एक संस्था भी है। यह संस्था गरीब जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई और इलाज में मदद करती है। प्रियंका चोपड़ा के माता पिता दोनों आर्मी में डॉक्टर रह चुके हैं जिसके चलते उनका ट्रांसफर होता रहता था, इसलिए उनकी पढ़ाई अलग अलग जगहों से हुई है। प्रियंका अपने पिता के बेहद करीब थी। उन्होंने अपने हाथ पर डैडीज लिटिल गर्ल भी लिखवा रखा है। पिता के मौत से एक साल पहले ही उन्होंने यह टैटू बनवाया था। प्रियंका चोपड़ा मॉडलिंग से पहले इंजीनियरिंग करनी चाहती थी, लेकिन फिर बाद में प्रियंका ने फिल्मों में ही अपना करियर बनाने का फैसला लिया। बॉलीवुड एवं हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जब अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी, उस दौरान उन्हें अपने सांवले कलर को लेकर जातिवाद का सामना करना पड़ा था। उनके क्लासमेट उन्हें ब्राउनी कहकर पुकारते थे। प्रियंका सबसे महंगी एक्ट्रेस है। ग्लोबल स्टार बनने के बाद वे अपनी एक फिल्म के लिए अमूमन 12 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। प्रियंका चोपड़ा ने साल 2015 से हॉलीवुड फिल्मों में काम कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस प्रियंका से 10 छोटे हैं। साल 2004 में अंदाज फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू करने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। साल 2005 में फिल्म ऐतराज के लिए बेस्ट विलेन कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। साल 2008 में फिल्म फैशन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। साल 2009 में फिल्म फैशन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के लिए आईफा अवार्ड मिला। साल 2009 में फिल्म दोस्ताना के लिए एक्ट्रेस ऑफ द ईयर स्टारडस्ट अवार्ड दिया गया। साल 2010 में फैशन फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। साल 2012 में फिल्म डॉन 2 के लिए जोड़ी नंबर 1 स्टार स्क्रीन अवार्ड दिया गया।
साल 2013 में फिल्म बर्फी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस जी सिने अवार्ड मिला। साल 2015 में फिल्म मैरी कॉम के लिए बेस्ट एक्ट्रेस स्टार स्क्रीन अवार्ड से नवाजा गया। साल 2016 में प्रियंका को ग्लोबल आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। साल 2016 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। साल 2016 में बाजीराव मस्तानी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। साल 2016 से 2017 में प्रसिद्ध अमेरिकी टीवी सीरीज क्वांटिको के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है। फिल्मी हस्तियों के घराने के ना होने के बावजूद प्रियंका ने खुद को बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री बनाया था। यह सब उनकी कड़ी मेहनत और काम में ईमानदारी का ही नतीजा है।